आज हम आपके सामने लेकर हाजिर हो चुके हैं, जी हाँ, टॉप फाइव बेस्ट एसोसिएट स्पेल्स। जी हाँ, एसोसिएट टीम्स की जो मैचेस होते हैं उनमें टॉप फाइव बेस्ट स्पेल्स, बॉलिंग स्पेल्स कौन से रहे हैं हमारे हिसाब से, जो हमने निकालने की कोशिश की है। काफी सारे मैचेस और स्टेट्स हमारे सामने आए थे, हमने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे मैचेस खंगाले, उसके बाद ये टॉप फाइव बेस्ट स्पेल्स आपके सामने लेके आए हैं। और इसमें से एट द एंड ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि सबसे टॉप नंबर वन स्पेल, इसमें सबसे बेहतरीन स्पेल इनमें से कौन सा रहा है। सबसे पहले जान लेते हैं ये टॉप पांच स्पेल्स कौन कौन से हैं और किन किन के नाम हैं। जरूर, देखिए सबसे शुरू करते हैं। 11 जुलाई 2015 को एलिज एवांस ने फ्रॉम स्कॉटलैंड नीदरलैंड के खिलाफ ODI T20I में, जी हाँ, उन्होंने फाइफर लिया था, 4 ओवर 24 रन देके 5 विकेट। एलिज एवांस ने नीदरलैंड के खिलाफ T20I में, जी हाँ। अब बारी आती है जिशान मकसूद फ्रॉम ओमान, इन्होंने 9 अक्टूबर 2019 को 3 ओवर 7 रन देके 4 विकेट निकाले थे नीदरलैंड के खिलाफ T20I में, जी हाँ, जबरदस्त परफॉर्मेंस हुआ था इनकी तरफ से। जहूर खान फ्रॉम UAE, जी हाँ, ये इनके बॉलर हैं। 2 मार्च 2017 को इन्होंने 34 रन देके 6 विकेट निकाले थे 6 ओवर में वर्सेस आयरलैंड ODI में, जी हाँ, ये जहूर खान का जबरदस्त ये बेस्ट परफॉर्मेंस है इस स्पेल की जहां तक बात करें। बिल्कुल, एक और यहाँ दो परफॉर्मेंस अभी बची हैं। 29 फरवरी 2020 को शर्विन मुंडियांडी, जी हाँ, फ्रॉम मलेशिया, 3.5 ओवर 13 रन देके 4 विकेट निकाले थे इन्होंने वर्सेस नेपाल T20I में, जी हाँ, ये नेपाल के खिलाफ इनका बेस्ट परफॉर्मेंस हुआ था, इनका बेस्ट फिगर है ये। अब बारी है लास्ट बट नॉट लीस्ट संदीप लामिजाने फ्रॉम नेपाल अगेंस्ट USA, जी हाँ, 12 फरवरी 2020 को इन्होंने ODI में 6 ओवर 1 मेडल 16 रन देके 6 विकेट निकाले हैं। जबरदस्त बॉलिंग हुई थी उस मैच में जहां पे USA 35 रन के अंदर स्क्रैप आउट कर गया था, बहुत ही बुरी तरह वो हार हुई थी, सिर्फ 35 रन के अंदर USA को ऑल आउट कर दिया, उसमें बहुत बड़ा योगदान संदीप लामिजाने का भी था। ये वो 5 टॉप स्पेल्स हमने निकाले हैं और बहुत अच्छे अच्छे स्पेल्स हैं, लेकिन हमारी नजर में ये टॉप 5 स्पेल्स हमने निकाले। उसके बाद हमने इनके वीडियोस देखे, जी हाँ, इनके वीडियोस देखे, हमने मैचेस को देखा, उनका देखे किस तरह की बॉल हुई थी, किस तरह की वेरिएशन हुई, किस तरह से कौन से विकेट्स बॉलर्स ने लिए हैं और कौन से विकेट सिर्फ मिले हैं। जी हाँ, कभी कभी बैट्समैन के खराब शॉट्स की वजह से विकेट्स मिलते हैं, उसमें आप बॉलर्स को हमेशा क्रेडिट नहीं दे सकते किस बॉलर ने 3 विकेट 4 विकेट ले लिए। बॉलर्स ने अपनी करामाती तरीके से, अपने स्विंग से या फिर अपने स्पिन से किस तरह से विकेट निकाले वो बहुत मैटर करता है। टॉप टू जो अगर हम आपको बताएं इसमें से, जब इस तरह स्टैट्स निकालने के बाद हम पहुंचे हैं इस नतीजे पर, टॉप टू जो इसमें निकलते हैं वो है, बताएं। बिल्कुल, जहूर खान फ्रॉम UAE, जी हाँ, और संदीप लामिजाने फ्रॉम नेपाल, जी हाँ, बिल्कुल ये दो हैं जबरदस्त परफॉर्मर, इन्होंने किया है जो अपनी बॉलिंग से इन्होंने दिखाया है दमखम, 6 विकेट निकाले हैं दोनों, जी हाँ, दोनों ने। और इन दोनों को लेने का मकसद यही है कि जहूर खान जो विकेट लिए हैं वो आयरलैंड के खिलाफ लिए हैं, जिनको एक साल बाद ही टेस्ट एलिमिनेशन का दर्जा मिल चुका था। ये वो टीम है जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 300+ लगभग चेस करके मैच को ड्रॉ कर दिया था, तो आयरलैंड बहुत स्ट्रांग टीम हो गई थी 2017 तक, इसी वजह से उनको 2018 में टेस्ट एलिमिनेशन का दर्जा भी मिला, लाजवाब था। और जहां तक बात है लामिजाने की, तो 35 रन पे किसी टीम को ऑल आउट करना इतना भी आसान नहीं है, जबरदस्त बॉलिंग, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद 27 पे 1 या 2 विकेट थे USA, और उसके बाद वो 35 पे ऑल आउट हो गए। और जब हमने बॉलिंग देखी, ऐसा नहीं कि हम हवा में कह रहे हैं, बॉलिंग देखी जबरदस्त, पढ़ के अंदर आई, जबरदस्त पढ़ के हल्की सी बाहर निकली, पारस खड़का ने बेहतरीन स्लिप में कैचेस पकड़ी है, बेहतरीन वो कैचर है, हम वीडियो देख रहे थे तो हमने खुद कहा कि पारस खड़का स्लिप में अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, बॉल पे काफी अच्छी नजर थी उस मैच में, एक बॉल फिर विकेट कीपर के सीने पे भी जाके लगी, जी हाँ, हमने पूरे वीडियो देखा, हम झूठ नहीं बोलेंगे कि हमने मैच देखा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इंसान को अकल बाद में आती है, हमें भी बाद में आई, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए ये बार होता है, लेकिन हमने सारी वीडियोस देखे। उसके बाद हमने डिसाइड किया है कि इस हमारे हिसाब से इस मैच इस बेस्ट स्पेल फ्रॉम एसोसिएट टीम्स का विनर कौन है, अयान बताएंगे वो विनर कौन है और क्यों है। जी हाँ, हमारे हिसाब से बिल्कुल संदीप लामिजाने वो विनर बनते हैं, उन्होंने इतनी जबरदस्त स्पेल डाली है, जैसे ही वो ग्राउंड पे आते हैं आप बॉलिंग को थोड़ा अच्छे समझा पाएंगे क्योंकि आप भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रहा है, गूगली का इस्तेमाल बहुत किया है, जी बहुत ज्यादा, आप देखे, आपने खुद सबने मैच देखा होगा, जाहिर सी बात है, जैसे बैट्समैन जब तक आगे पहुंचता है बॉल घुस जाती है स्टंप पे और वो पीछे चला जाता है, तभी होता है जब आप गुगली डालते हैं,
एक लेग स्पिनर जब गुगली डालता है तभी ये बॉल या तो फ्लिपर हो या गुगली हो, पर वो बॉल गुगली ही थी, फ्लिपर नहीं। फ्लिपर तेज आती है, गुगली पड़ के निकल जाती है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप समझाएं, बिल्कुल कि आप बॉलिंग में ज्यादा एक्सपर्ट है तो मेरे मुकाबले। ये तरीका है इसको जानने का, बस यही एक था। इसलिए संदीप लाल बेचारे खेलने में इतनी परेशानी, मुंह देखने लायक था यूएसए बैट्समैन का, उनको समझ में नहीं आ रहा बॉल कहां जा रही है। तो संदीप लाल बेचारे पर हार्ड था जी। जहूर खान से हम कुछ नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं छीन। जहूर खान ने भी जबरदस्त बॉलिंग कराई है जी। आपको आपने हमें उम्मीद है कि आपने वो मैच देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप इस पर एक बार जाके जरूर देखिएगा। उन्होंने भी जबरदस्त बॉलिंग कराई है। आयरलैंड कोई मामूली टीम नहीं है, यूएसए भी न्यू है, लेकिन आयरलैंड काफी समय से क्रिकेट खेल रही है। उन्हें उसके एक साल बाद टेस्ट प्लेइंग का दर्जा मिल चुका था, सबसे बड़ी यानी वो बहुत ही, वो 2011 वर्ल्ड कप में उन्होंने जो किया वो तो खैर पूरी दुनिया ने देखा था। तो यही एक बात थी, ये एक स्पेल था, बेस्ट एसोसिएट टीम्स में जो सबसे बेस्ट स्पेल है हमारे हिसाब से अब तक का, संदीप लामिछाने है, जिन्होंने 6 विकेट निकाले यूएस के खिलाफ, 35 रन में टीम को ढेर कर दिया। सर इस वीडियो में इतना ही, आपके हिसाब से जी आप जरूर बताइए, आपके हिसाब से क्या कोई और स्पेल है जो हमसे मिस आउट हुआ हो, जो जबरदस्त परफॉर्मेंस हुई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसको भी हम जाके देखेंगे कि आप, क्योंकि हम भी देखना चाहेंगे कि किस किस तरह से एसोसिएट टीम्स में प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं, कितना टैलेंट भरा हुआ है। कमेंट जरूर करिए अगर आपकी नजर में कोई और इससे बेटर परफॉर्मेंस है जो हमसे मिस हो गया हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार क्रिकेट अपडेट आने से हम आपके लिए लाते रहते हैं, काफी स्टेट्स निकाल के मेहनत करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा, आपको आप वीडियो देखने के बाद एक लाइक करेंगे तो हमें काफी मोटिवेट मिलता है ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाते रहें और एसोसिएट क्रिकेट को ज्यादा से ज्यादा सामने लेके आए, जो कि पर्दे के, जो कि पर्दे के पीछे नहीं, जमीन के अंदर धंस चुका है, ये रियलिटी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।